हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं बाढ़ बाढ़ एक हमारे यहाँ जगह है और काफ़ी यहाँ इस जगह का मान्यता है। तो आज है माघी पूर्णिमा, तो माघी पूर्णिमा के ही दिन यहाँ मुंडन होता है। साल में 2 बार होती है, एक बिसुआ में होती है और एक माघी पूर्णिमा में। तो वहाँ पे कुछ तो अच्छा सा फ्रंट क्लिप शूट नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस जगह की बहुत मान्यता है। तो मुंडन वगैरह हो गया, अब हम लोग खाना पीना खा रहे हैं और फिर खाना पीना खा के हम लोग रेस्ट करने आ जाएंगे होटल में। तो हमने यहीं पे एक रूम भी ले रखा है, तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, तो इतना थक गई हूँ। देखिए सबका क्या हालत हो रखा है अभी, और उधर कोई दूसरे रूम में भी है। आप बहुत सब थक फैमिली गई हूँ में बहुत फ्रेंड, जल्दी बहुत ज़्यादा। फ्रेश फ्रेश बनाओ। और खाना पीना खा के सभी रेस्ट कर रहे हैं। फिर से यहाँ पर से हमारी ट्रेन है 4 बजे के आसपास, तो आप फिर 4 बजे यहाँ से निकलेंगे और फिर जाना है एक जगह और। तो हम लोग वैसे ही 2 दिन का ट्रेवल है, तो 2 दिन फुल मस्ती होगी। और ये रही हमारी जेठानी, ये हमारी हाय, जेठानी है। हम दोनों मुंडन के लिए आए हैं। और बहुत सारे ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बहुत सब पुराने ब्लॉग पे मेरे हैं ये। और ये मेरी बड़ी जेठानी है और मैं इनकी छोटी जेठानी हूँ, मैं इनकी छोटी देवरानी हूँ। छोटी देवरानी है। देखिए दोस्तों, ऐसा हालत तो बड़ी के क्या हालत हो। तो फ्रेंड, हम लोग खाना पीना खा के रेस्ट वेस्ट करके हम लोग देवघर के लिए निकल गए हैं। काफ़ी देर है क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन मुंडन होता है और अब हम लोग देवघर आ गए हैं। तो देवघर में हम लोग रात को रेस्ट किए, रात काफ़ी हो गया था। और सुबह में मॉर्निंग में हम लोग वहाँ भी होटल लिए थे और रूम में फिर शिव गंगा यहाँ पे है देवघर में, वहाँ पे स्नान वगैरह करके हम लोग आ गए देवघर मंदिर में। यहाँ पे बच्चों का फिर मुंडन होगा, तो हमारे जेठ के बच्चों का भी मुंडन नहीं हुआ था, तो उन दोनों का भी हो जाएगा। और बहुत अच्छा अच्छा मोमेंट था जो शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत सारे हम लोग थे तो भीड़ काफ़ी था, तो ये भी लग रहा था कहीं कोई कोई बच्चे खो ना जाए। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था फ्रेंड कि सभी एक साथ हों, कोई इधर चला जाए ना, तो इस वजह से दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा था। मगर किसी तरह ठीक ठाक से हमारा ये काम हो गया, मतलब मुंडन हो गया। तो हमारे जेठ के बच्चों का भी मुंडन हो रहा है और मुंडन होने के बाद ही हम लोग बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग चले हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए जाएंगे हैं देवघर और देखिए कितनी भीड़ है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, हम लोग देवघर में पूजा पाठ करके हम लोग रात की ट्रेन से फिर अपने धनबाद निकल गए हैं धनबाद के लिए। तो ये लोग भी हमारे यहाँ धनबाद आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ सुबह मंदिर जाने के लिए और हस्बैंड भी मेरे। Just dream about it, baby.
तेरा ज्ञान ये
तेरा
Yeah.